जी माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो टुडे वी विल स्टडी अवर चैप्टर नंबर 14, दैट इज सोइल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सोइल क्या होती है, सोइल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोइल, सोइल की अलग अलग लेयर जो परत होती है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल लाइक द एलुवियल सोइल हो गई हमारी, माउंटेन सोइल, डेजर्ट सोइल एंड द ब्लैक सोइल, रेड सोइल, लेटराइट सोइल, इनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर नेम इज सोइल। सो व्हाट इज सोइल, सोइल जो होती है वो होती क्या है, सोइल क्या होती है हमारी, कि सोइल होती है कि लूज पार्टिकल, जो लूज वेदर्ड मटेरियल कह दें या फिर इनको क्या कह दें, मटेरियल को हम क्या कह सकते हैं, पार्टिकल्स कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पार्टिकल्स, कि हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, देखे होंगे जब हम मिट्टी को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि बहुत हल्के हल्के एकदम लूज ढीले ढीले क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, अटैच नहीं होते, तो वो लूज पार्टिकल जो अर्थ के कहां पर मिलते हैं, हमें सरफेस पे, अर्थ के कहां पे मिलते हैं, सरफेस में मिलते हैं, जिनके अंदर क्या ग्रो करते हैं, हमारे प्लांट्स, प्लांट्स क्या करते हैं उसके अंदर ग्रो करते हैं, वो हमें क्या कहलाती है, सोइल कहलाती है, वो क्या कहलाती है, हमारी सोइल कहलाती है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंग्रेडिएंट्स, कि अब जब सोइल होगी हमारी उसके अंदर क्या होते हैं इंग्रेडिएंट्स, कि उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या होते हैं कंपोनेंट्स, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो पढ़ेंगे हम, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमारी सोइल के अंदर बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं रॉक पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, कि द मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर द सोइल इज सॉलिड लेयर ऑफ रॉक, कि रॉक की जो सॉलिड लेयर होती है वो हमारी बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट कंपोनेंट होते हैं, उसके अंदर वो रॉक जो होती है कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं रॉक के, कुछ छोटे होते हैं, कुछ और ज्यादा हल्के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं क्या कि नमक, जो काला नमक हम लेते हैं तो एक तो होता है एकदम पत्थर टाइप का होता है, उसको जब हम पीसते हैं तो क्या होता है वो थोड़ा और हल्का हो जाता है, उसको और ज्यादा पीसेंगे तो उसके और ज्यादा फाइन पार्टिकल्स मिल जाएंगे हमारे, तो उससे क्या होता है कि फाइन पार्टिकल्स होते होते रहते हैं, तो इस तरह से हल्के हल्के पार्टिकल्स आ जाते हैं और लास्ट में हमारा जो नमक होता है बिल्कुल हल्का हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं ये कहां पर मिलते हैं, हमारी बीनीथ द सोइल, कि सोइल के नीचे, बीनीथ का मतलब क्या होता है हमारा नीचे, सोइल के कहां मिलते हैं हमें, नीचे पार्टिकल्स होते हैं वो मिलते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, जहां पर ये रॉक के पार्टिकल्स मिलते हैं दैट इज कॉल्ड द बेड रॉक, उसे हम क्या कहते हैं, बेड रॉक कहते हैं। नेक्स्ट इज सोइल कंपोजिशन। सोइल कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब कि कैसे कैसे सोइल जो होती है वो उसके अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा पार्टिकल्स मिनरल्स जो भी हमारे होते हैं कंपोजिशन के अंदर की कंस्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो सोइल के क्या हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सोइल के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम, कि सोइल के अंदर क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल, रॉक पार्टिकल्स का एक मिक्सचर होता है, उसके अलावा और क्या होते हैं हमारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स को अगर हम बात करें तो मिनरल्स क्या होते हैं हमारे खनिज पदार्थ, मिनरल्स क्या होते हैं हमारे खनिज पदार्थ जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं मिनरल्स होते हैं, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, कि डिकेड का मतलब जो गले सड़े हमारे मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं डिकेड मटेरियल्स कहते हैं, वाटर पानी होता है हमारी सॉइल के अंदर और क्या होती है हमारी सॉइल के अंदर एयर होती है, और इनको हम क्या कहते हैं कि ये जो कंपोजिशन जब मिलती है तो इससे क्या क्या अलग अलग पार्टिकल्स बनते हैं, सैंड के पार्टिकल्स बनते हैं, सिल्ट के पार्टिकल्स बनते हैं हमारे, क्ले के पार्टिकल्स बनते हैं और ग्रेवल जो होता है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे बन जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज ह्यूमस, कि ह्यूमस जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि भैया जैसे बरसात हो जाती है बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण, जैसे ही बरसात होती है हमारी तो उसके क्या होते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि बरसात होगी और हल्की अगर बरसात होती है तो क्या होता है हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जैसे ही उसने हीट को क्या कर लिया एब्जॉर्ब, अर्थ किसको एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी हीट को, किसको एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को, तो हीट जो होती है वो क्या हो जाती है हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है, हीट क्या हो जाती है एब्जॉर्ब हो जाती है, और जब हल्की बारिश हो जाती है तो वो हीट इवेपोरेशन हो जाता है बेसिकली, इसमें क्या हो जाता है इवेपोरेशन, क्या होता है हमारा इवेपोरेशन जो होता है वो उसके अंदर हो जाता है, तो इवेपोरेशन जब होता है तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं गर्म पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली हमारे एटमोसफेयर में आ जाते हैं, और क्या होती है हमारी
हमें गर्मी लगती है, वही क्या कहलाती है, ह्यूमस कहलाती है हमारी। क्या कहलाती है? ह्यूमस। कि ह्यूमस क्या होती है कि डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन सोइल, सोइल के अंदर जितने भी डिकेड गले सड़े जितने भी मटेरियल्स होते हैं फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स रिमेन्स, कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जो मर जाते हैं उनके क्या हो जाते हैं हमारे, कि बेसिकली उसके जो रिमेन्स जो बचे जो हिस्से होते हैं कि प्लांट्स के जो मतलब जैसे हमारे प्लांट्स है वो गिर गए ठीक है और एनिमल्स है वो मर जाते हैं तो वो क्या होते हैं मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, तो कुछ हिस्से होते हैं कुछ उसके पार्ट्स होते हैं जो कि हमारी सोइल के अंदर ही रह जाते हैं, तो उनके जो डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं हमारी ह्यूमस को क्रिएट करते हैं, वो किसको क्रिएट करेंगे ह्यूमस को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है कि ह्यूमस का काम क्या होता है, ह्यूमस जो होता है इट प्रोवाइड्स हमें क्या देता है स्पेसिस इन सोइल, कि सोइल के अंदर जगह, क्योंकि अगर सोइल के पार्टिकल्स के अंदर अगर स्पेस नहीं होगा तो वो क्या नहीं कर पाएंगे वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, कि वाटर एब्जॉर्प्शन विल नॉट बी देयर, कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा सोखने की क्षमता ये वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा नहीं होगा ठीक है, कि स्पेस होता है किसके लिए कि पानी है वो उसके अंदर चला जाए सोइल के अंदर और एयर हवा जो है वो भी हमारी सोइल के अंदर चली जाए। नेक्स्ट आता है कि ह्यूमस ऑल्सो कंटेन्स मैनी न्यूट्रिएंट्स, कि ह्यूमस के अंदर क्या होता है हमारे ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं खनिज पदार्थ जो होते हैं वो भी होते हैं दैट प्लांट्स नीड्स टू ग्रो, जो हमारे पेड़ पौधों को चाहिए होते हैं किसके लिए ग्रो होने के लिए, जैसे कि अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो बेसिकली प्लांट्स को क्या चाहिए ग्रोथ के लिए, प्लांट्स को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होती है नाइट्रोजन चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है नाइट्रोजन, और ये क्या होता है ऑफन डार्क इन कलर, कि हमारे ह्यूमस के कारण जो सोइल का कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है डार्क हो जाता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सोइल फर्टिलिटी, नेक्स्ट सोइल फर्टिलिटी, कि सोइल फर्टिलिटी जो होती है वो बेसिकली क्या होती है हमारी, तो सोइल फर्टिलिटी होती है कि द मेजर ऑफ हाउ वेल सोइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, कि क्या होती है मेजर, मेजर होता है बेसिकली कि जो हमारी जो सोइल है वो कितनी अच्छी तरह से प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, कि हमारा प्लांट है वो कैसे ग्रोथ करेगा कैसे नहीं करेगा, कितना अच्छा ग्रोथ करता है और कितना अच्छा ग्रोथ नहीं करता, इसको जो मापते हैं हम वो हमारी क्या कहलाती है सोइल फर्टिलिटी, वो क्या कहलाती है सोइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब उपजाऊ, तो कि कोई चीज कितनी उपजाऊ है, जो सोइल ज्यादा फर्टाइल होगी सोइल क्या होगी ज्यादा फर्टाइल, जो सोइल ज्यादा फर्टाइल होगी, फर्टाइल का मतलब क्या होता है हमारा उपजाऊ, फर्टाइल का मतलब क्या होता है उपजाऊ, तो जितनी सोइल ज्यादा फर्टाइल होगी उतना हमारा प्लांट क्या करेगा ग्रोथ करेगा, उतना हमारा प्लांट क्या करेगा ग्रोथ करेगा, तो यही फर्टिलिटी जो होती है वो क्या होती है कि प्लांट कितनी ग्रोथ करता है कितनी नहीं करता उसको जो देखते हैं मापते हैं वो हमारी क्या कहलाती है सोइल फर्टिलिटी। अब आती सोइल रिच इन ह्यूमस, जिस सोइल के अंदर जितना ज्यादा ह्यूमस होगा वो उतनी ही ज्यादा फर्टाइल होगी, जितना ज्यादा ह्यूमस होगा सोइल के अंदर उसके अंदर फर्टाइल या फर्टिलिटी कंटेंट की बात करें फर्टाइल कह दें तो उतना ही फर्टिलिटी कंटेंट जो होगा उसमें उतना ही ज्यादा होगा, मोर द ह्यूमस मोर विल बी द फर्टिलिटी कंटेंट। अब आता है सैंडी सोइल की बात करें कि सबसे कम ह्यूमस किसका होता है, तो सबसे कम ह्यूमस किसका होता है सैंडी सोइल का होता है, क्यों होता है क्योंकि सैंडी सोइल के अंदर हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेस होता है उनके बीच में, सैंडी सोइल के अंदर क्या होता है तो सैंडी सोइल की अगर हम बात करें तो सैंडी सोइल के अंदर क्या होता है मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, क्या होता है मोर स्पेस होता है हमारे पार्टिकल्स के बीच में, तो क्या होता है कि पानी जैसे हम डालते हैं वो सीधा एकदम क्या होता है नीचे की तरफ बहुत ज्यादा नीचे की तरफ पहुंच जाता है पानी को होल्ड नहीं कर पाता, तो इसके लिए इसके अंदर क्या होता है लो ह्यूमस होता है और लो ह्यूमस हो गया इसका मतलब इसके अंदर क्या है फर्टिलिटी कंटेंट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा हमारा लो हो जाएगा, फर्टिलिटी कंटेंट भी क्या हो जाएगा हमारा लो हो जाएगा। नेक्स्ट इज सोइल टेक्सचर, सोइल टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर की अगर बात करें तो टेक्सचर का मतलब होता है बनावट, टेक्सचर का मतलब क्या होता है हमारा बनावट, कि किसी भी चीज की हमारी जो सोइल की अगर बात करें तो सोइल की बनावट कैसी है, कोई पार्टिकल्स बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं एकदम स्मूथ स्मूथ होते हैं वो, कुछ पार्टिकल्स हार्ड होते हैं कुछ ग्रेनी टाइप के होते हैं जैसे ग्रेन्स आगे हाथ में पत्थर टाइप के जो होते हैं, तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि सोइल की जो स्ट्रक्चर होती है बेसिकली टेक्सचर को हम क्या कह देते हैं इंग्लिश में, अगर बात करें दूसरे वर्ड तो सोइल का मतलब क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, सोइल का मतलब क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, की स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है।
फर्स्ट बात करते हैं कि सोइल का टेक्सचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर जो होगा सोइल का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सोइल पार्टिकल्स। हमारे सोइल के जो पार्टिकल्स हैं वो उनका साइज कि कोई कितना बड़ा है और कितना छोटा है उसके ऊपर हमारा क्या डिपेंड करता है, सोइल की स्ट्रक्चर या बनावट है वो डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं किसका, कि सैंडी सोइल, जो सैंडी जो रेतीली मिट्टी होती है वो कैसी होती है, वेरी कोर्स एंड ग्रेनी, थोड़ी ग्रेनी ग्रेनी टाइप की हमारी मिट्टी होती है। क्ले सोइल की बात करें तो क्ले सबने देखी है, तो जब हम क्ले को छूते हैं कैसी लगती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ और सिल्की, स्मूथ एंड सिल्की, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट होती है हमारे, और सिल्की होती है मतलब एकदम सिल्क सिल्क टाइप का लगता है कि एकदम जैसे कि आखिरी कटने से लग जाते हैं इस तरह से। नेक्स्ट आता है सिल्ट, सिल्ट क्या होता है, वेरी ड्राई, एकदम सूखा होता है, मॉइस्ट, थोड़ी ही नमी भी होती है इसके अंदर, या तो एकदम सूखा होगा या थोड़ी बहुत नमी होगी, और क्या होगा स्टिकी, कि बहुत ज़्यादा स्टिकी होगा, स्टिकी का मतलब क्या है चिपकाना, स्टिकी मतलब चिपकना, स्टिकी का मतलब क्या होता है हमारा चिपकना, कि बहुत चिपक जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर। अब बात करते हैं साइज की, कि अगर साइज के हिसाब से बात करें कि पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो कौन सी सोइल के अंदर कैसा कैसा होगा, तो हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कि सबसे छोटे से स्टार्ट करके हम सबसे बड़े पे आएंगे। तो सबसे छोटे पार्टिकल किसके अंदर होते हैं हमारे, क्ले के अंदर, उसके बाद सिल्ट के अंदर, फिर सैंड, और लास्ट में आता है ग्रेवल। ग्रेवल हमारा बेसिकली क्या होता है, बहुत हार्ड मटेरियल जो होता है वो होता है, हार्ड सब्सटेंस जो होता है वो हमारा ग्रेवल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि लोम, कि लोम क्या होता है, तो लोम होता है सोइल दैट इज मेड अप ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ क्ले सिल्ट एंड सैंड, कि वो सोइल, लोम क्या है, सोइल एक तरह की, जिसे हम दूसरे रूप से अगर लोम ना कहें तो हम क्या कह सकते हैं, लोमी सोइल भी कह सकते हैं, लोम को हम और क्या कह सकते हैं, लोमी सोइल। कि लोमी सोइल क्या है, कि वो सोइल, वो मिट्टी हमारी, लोमी मिट्टी जो होती है वो मिट्टी होती है जिसके अंदर क्ले भी प्रेजेंट है, क्ले मिट्टी भी प्रेजेंट है, सिल्ट भी प्रेजेंट है, और रेतीली मिट्टी जो सैंड होता है वो भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये तीनों प्रेजेंट किसके अंदर होते हैं, इक्वल पार्ट्स के अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इक्वल पार्ट्स, की सबका जो रेशियो होता है, जो क्वांटिटी होती है इन तीनों की, सैंड की, सिल्ट की और क्ले की, अगर तीनों को सेम सेम क्वांटिटी के अंदर जब हम मिलाएंगे तो हमारी कौन सी मिट्टी बन जाती है, लोमी सॉइल, कौन सी मिट्टी बन जाती है हमारी, लोमी सॉइल बन जाती है। और ये क्या करती है, इट्स होल्ड्स एयर एंड वाटर, कि ये पानी और हवा दोनों को क्या करती है, होल्ड करके रखती है, ज़्यादा लूज नहीं होती कि पानी जैसे डाला हो एकदम नीचे की तरफ पहुंच जाएगा, तो ये पानी को होल्ड करके रखती है हमारी। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि सॉइल जो होती है हमारी, जो मिट्टी होती है वो बनती कैसी है। तो सॉइल फॉर्मेशन के अंदर हम बेसिकली अगर बात करें तो सबसे बड़ा रोल सॉइल फॉर्मेशन के अंदर किसका होता है, वेदरिंग का होता है, किसका होता है, वेदरिंग का। वेदरिंग होती क्या है, वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है, और इसको अगर हम बात करें तो ये कैसी है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है हमारी, लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, कि बहुत लंबे समय तक चलती है तब जाके ये वेदरिंग होती है, कंप्लीट होती है। वेदरिंग के अंदर होता क्या है, वेदरिंग के अंदर होता है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोई रॉक पार्टिकल, कोई भी क्या है हमारे पास, रॉक है एक, ठीक है, जब वो उस रॉक के ऊपर क्या किस किस का इफेक्ट पड़ता है, सन, सनलाइट होती है, वो जैसे ही धूप पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म हो गया तो गर्म होने के कारण क्या होता है, ह्यूमस वगैरह निकलती है, फिर मान लो थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, बारिश, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी तो बारिश के उतने ज़्यादा ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जैसे ही सन इसके ऊपर गिरा, बहुत ज़्यादा गर्म होगी, गर्म होने के बाद जैसे ही बारिश इसके ऊपर गिरी, ये फिर से ठंडी होगी, तो कोई भी गर्म चीज़ होगी और एकदम से ठंडी हो जाएगी, तो उसके अंदर क्या आ जाते हैं, क्रैक्स, क्या आ जाते हैं, क्रैक्स जो है उसके अंदर आ जाते हैं। क्रैक्स क्या होती है हमारी, दरारें, क्रैक्स क्या होती हैं, दरारें, कि जैसे कोई गर्म चीज़ हो उसको एकदम ठंडी चीज़ में डाल दे तो क्या हो जाती है, उसके अंदर दरारें आ जाती हैं। तो उसमें जो रोक थी हमारी, बेसिकली जिसकी बात कर रहे थे, ये रोक थी, इसके अंदर दरारें आ गई, तो जैसे और पानी बरसात कभी होगी तो इसके अंदर पानी भर जाता है, और पानी क्या करता है, चीज़ों को काटता है, तो ये रास्ता बना लेगा, और वो रोक जो बड़ी रोक थी वो टूट के छोटे रॉक में बन गई। तो ये प्रोसेस जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक चलती रहती है, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जब ये प्रोसेस चलती रहती है तो रॉक पार्टिकल्स छोटे छोटे होते जाते हैं, और फाइनली वो रॉक पार्टिकल्स किसके अंदर बन जाते हैं हमारी, क्या बना देते हैं, सॉइल बना देते हैं, क्या बना देते हैं हमारी, सॉइल फॉर्मेशन को जन्म देते हैं। कि सॉइल फॉर्म्स एज रॉक, सॉइल कब फॉर्म होती है, जब रॉक जो चट्टान होती है वो ब्रोकन डाउन टूट जाती है बाय वेदरिंग, वेदरिंग की प्रोसेस, और वेदरिंग की प्रोसेस अभी बताइए, एंड मिक्सिस विद द अदर मटेरियल्स, और बाकी जो मटेरियल्स होते हैं किसके ऊपर, हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस में बाकी जो मटेरियल्स होते हैं उसके साथ वो सॉइल क्या होती है, मिक्स हो जाती है।
अब आता है कि नेक्स्ट कि सोइल जो होती है हमारी, कि सोइल इज कॉन्स्टेंटली बींग फॉर्म्ड व्हेनेवर बेड रॉक इज बींग एक्सपोज. कि जैसे बेड रॉक क्या होता है, एक्सपोज हो जाती है तो हमारी क्या बनती है, सोइल जो होती है वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली क्या होती है, बनती रहती है. अब बात आता है कि सोइल जब बनती है तो ये सोइल है वो किसके अंदर डिवाइड होती है, जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि लेयर्स, और या उनको क्या कह देते हैं हम, हॉरिजॉन्स कह देते हैं. लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है या फिर हॉरिजॉन्स के अंदर डिवाइड हो जाती है. तो अब हम पढ़ेंगे कि लेयर्स और हॉरिजॉन्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. कि अगर बात करें कि सोइल हॉरिजॉन, हॉरिजॉन क्या है कि ए लेयर ऑफ सोइल. हॉरिजॉन को हमने क्या बताया था कि या हॉरिजॉन कह दें या फिर लेयर कह दें. लेयर ऑफ सोइल दैट डिफर्स इन कलर एंड टेक्सचर. की जो बनावट टेक्सचर बताया था अभी, बनावट होती है कलर और रंग. अलग अलग लेयर्स होती है हमारी मिट्टी की. अगर हम बात करें तो ऊपर मिट्टी खोदते हैं, नीचे नीचे जैसे खोदते हुए जाएंगे तो मिट्टी का जो कलर है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. उस मिट्टी की बनावट जो है, पार्टिकल्स का अगर साइज की बात करें या फिर उसकी टेक्सचर की या और बनावट की बात करें तो वो भी क्या होती है, अलग अलग हो जाती है. फ्रॉम द लेयर्स अबव एंड बिलो इट, ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर, ऊपर की लेयर और नीचे की जो लेयर होती है उनका क्या होता है, कलर और टेक्सचर जो बनावट होती है वो क्या होती रहती है, डिफर होती रहती है, अलग अलग रहती है. इसी को हम क्या कहते हैं, सोइल हॉरिजॉन. इसको हम क्या कहते हैं, सोइल हॉरिजॉन कहते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कि व्हाट आर द डिफरेंट सोइल हॉरिजॉन्स एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. कि अलग अलग सोइल हॉरिजॉन जो होते हैं हमारे, कौन कौन से हॉरिजॉन्स होते हैं और उन हॉरिजॉन्स की क्या क्या हमारी क्या होती है करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं होती हैं. करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, विशेषताएं. करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, विशेषताएं. कि क्या क्या उनकी विशेषताएं जो होती हैं वो हमारी होती हैं. सबसे ऊपर हमारे अगर बेसिकली बात करें तो तीन टाइप के ओरिजन होते हैं. ओरिजन ए दैट इज लेयर वन, ओरिजन टू या ए उसके बाद बी एंड लास्ट इज ओरिजन सी. ओरिजन ए, ओरिजन बी एंड ओरिजन सी, तीन जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ओरिजन होते हैं. तो सबसे ऊपर वाला ओरिजन ए ओरिजन की अगर हम बात करें तो ए ओरिजन के अंदर हमारे क्या होती है, टॉप सोइल, जो ऊपर की मिट्टी जिसे हम देख रहे हैं वो कौन से ओरिजन में आती है, ए ओरिजन में आती है. एक क्रम्बी डार्क ब्राउन सोइल कैसी होती है हमारी, डार्क ब्राउन मिट्टी होती है विद ए मिक्सचर ऑफ ह्यूमस, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है. क्योंकि ऊपर की मिट्टी क्या होती है, फर्टाइल उपजाऊ होती है, तभी तो हम ऊपर ज्यादा हल वगैरह चलाते हैं, मशीन वगैरह चलाते हैं तो ज्यादा नीचे तक नहीं करते, मशीनें थोड़ी ऊपर ही रहती हैं तीन चार अंगुल तक. क्यों, क्योंकि ऊपर वाली मिट्टी के अंदर क्या होता है, ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और क्ले होता है इसके अंदर और बाकी और भी मटेरियल्स और अगर बात करें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ओरिजोन की. ए के बाद जो नीचे थोड़े और चले जाए तो दूसरी लेयर आती है जिसे कहते हैं ओरिजोन बी या बी ओरिजोन, उसे हम क्या कहते हैं, बी ओरिजोन इज ऑल्सो कॉल्ड सब सॉइल. बी ओरिजन इज ऑल्सो कॉल्ड सब सोइल. और सब सोइल के अंदर क्या होते हैं हमारी, क्ले के पार्टिकल, क्ले और दूसरे पार्टिकल्स होते हैं जो वॉश डाउन फ्रॉम ए. कि जो क्या होते हैं कि भारी पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़े ऊपर वाले से, कि जो भारी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ चले जाएंगे, हल्के पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसके अंदर चले जाएंगे, हमारे टॉप सॉइल के अंदर, और जो भारी पार्टिकल्स हैं वो किसके अंदर चले जाएंगे, सब सॉइल के अंदर. तो इस तरह से अलग अलग डिवीजन होता है और उससे जो भारी होंगे वो हमारे किसके अंदर चले जाएंगे, सी के अंदर, जो ओरिजन सी है उससे अंदर चले जाते हैं. इसके अंदर क्या होता है, हमने बताया बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है, ह्यूमस इज वेरी हाई. ह्यूमस क्या होता है इसके अंदर, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है. और जो बी ओरिजन होता है उसके अंदर हमारा ह्यूमस क्या होगा, बहुत कम होता है, लिटिल अमाउंट के अंदर जो ह्यूमस है वो हमारा प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट बात करते हैं सी ओरिजन. सी ओरिजन के अंदर हमारा वेदर्ड रॉक्स होती है, कि जो रॉक पार्टिकल बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर, हाई अमाउंट के अंदर बच जाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे सी ओरिजन में आते हैं. ठीक है, और सी ओरिजन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा होता है क्या, सी ओरिजन के जो लास्ट में आता है हमारा होता है बेड रॉक. क्या होता है, बेड रॉक, कि जहां पर रॉक्स का एक बेड लगा होता है, लेयर बनी हुई होती है, बेड टाइप में बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेड रॉक कहते हैं. ये है हमारे देखो पिक्चर के अंदर जैसे हम देख सकते हैं सोइल के ओरिजन कैसे होते हैं. जैसे कि हमारी क्या है, ये ऊपर ही ऊपर ओरिजन ए टॉप सोइल, ये क्या हमारी ऊपर की सारी मिट्टी, यहाँ तक का जितना भी ये रीजन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी रीजन है हमारा, ये किसके अंदर आता है हमारा, ए ओरिजोन के अंदर, जिसमें पेड़ की जड़ें वगैरह भी हैं, ये भी हमारी क्या इसके अंदर आ गई, जड़ें यहाँ का रहती, इसका मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स. क्या प्रेजेंट है हमारे, न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है.
न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं होरिजोन बी, बी होरिजोन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। इसके अंदर भी थोड़ी बहुत जड़ें तो होती है, इसका मतलब लिटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो इसके अंदर भी होंगे, न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट जो होगा वो इसके अंदर भी होगा, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट क्या होती है बहुत कम होती है। इसके अंदर थोड़े भारी भारी पार्टिकल देखो जैसे दिख रहे हैं हमारे, भारी भारी पार्टिकल जो हैं रॉक टाइप के पार्टिकल जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन छोटे साइज में थोड़े कम है, यहाँ पर रॉक के पार्टिकल्स नहीं, यहाँ पर सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। उसके बाद बात करते हैं हम होरिजन नंबर सी, सी ओरिजन के अंदर देखा कि इससे थोड़े ही ज्यादा हैवी पार्टिकल्स, ज्यादा हैवी पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पर मिल जाते हैं, जो इसे हम कहते हैं वेदर्ड रॉक्स की टूट टूट कर जो बनती है, ये क्या कहलाती है हमारी, इसके अंदर क्या आते हैं हमारे वेदर्ड रॉक, इसके अंदर क्या आती है वेदर्ड रॉक जो है वो हमारी आ जाती है। एंड इसके बाद सबसे लास्ट में आती है बेड रॉक, कि जैसे ये चट्टाने दिख रही है, ये जो चट्टाने हैं इस तरह की चट्टाने बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो इस लेयर बना देते हैं, एक बेड टाइप की स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसके अंदर हमारे उस रीजन को हम क्या कहते हैं बेड रॉक कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि व्हाट आर सोयल ऑर्गेनिज्म, की सोयल के अंदर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, कि वो ऑर्गेनिज्म दीज लिविंग थिंग्स विच मेक्स ह्यूमस, जो ह्यूमस को बनाते हैं और अदर मेटेरियल्स को बनाते हैं, जो कि क्या करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स या वो लिविंग थिंग्स जो ह्यूमस क्रिएट करने के बाद हमारी सॉइल को क्या बना देते हैं फर्टाइल बना देते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या सॉइल ऑर्गेनिजम्स, वो क्या कहलाते हैं हमारे सॉइल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो क्रिएटर्स होते हैं ये सॉइल को मिक्स कर देते हैं, सॉइल को क्या करते हैं मिक्स करते हैं, और क्या होता है उनके अंदर मिक्स करने के बाद स्पेस फॉर वाटर और एयर, एयर और वाटर के लिए क्या बना देते हैं जगह जो होती है मिट्टी के अंदर वो हमारी बन जाती है, एयर और वाटर के लिए जो जगह होती है वो हमारी बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं लिटर, लिटर क्या होता है, तुम्हारे कोर्स में बेसिकली है नहीं लेकिन इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, कि जैसे सोइल का पढ़ रहे थे लिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लूज लेयर ऑफ डेड प्लांट्स, कि जो मरे हुए पेड़ पौधे जो होते हैं उनके क्या होते हैं लूज लेयर, वो उनकी हल्की मिट्टी हो जाती है लीव्स, लीव्स के कारण कि प्लांट्स के जैसे ही पत्ते होते हैं वो नीचे गिरेंगे, नीचे गिरने के बाद प्लांट्स के पत्ते क्या होते हैं वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, पत्ते क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं डीकम्पोज, क्या स्टार्ट हो जाते हैं डीकम्पोज, मतलब टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, टूट टूट के वो बहुत फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं और उनकी क्या होती है एक लूज लेयर बन जाती है, हल्की हल्की लेयर बन जाती है, ठीक है। और स्टेम के भी पार्टिकल्स होते हैं लीव्स के अलावा, किसके पार्टिकल सॉइल के अंदर जो अर्थ की सरफेस पे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं लिटर कहते हैं, क्या कहते हैं लिटर कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स क्या होते हैं जो किसी भी चीज को क्या कर दे डीकम्पोज, डीकम्पोज करने का मतलब ब्रेक कर दे किसी भी चीज को, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं किसी भी चीज को ब्रेक कर देते हैं, कि ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल जो मिट्टी के अंदर होते हैं एंड टर्न डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ह्यूमस, कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी डेड होते हैं उनको किसके अंदर खाके खाके तोड़ तोड़ के टूटते 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 किसके अंदर बना देते हैं वो ह्यूमस के अंदर हमारा क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं कौन कौन सी बैक्टीरिया है जो ऐसा काम करते हैं, डिकम्पोजर्स कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट इज फंगाई, सेकेंड इज बैक्टीरिया, थर्ड वर्म्स और अदर एनिमल्स और बग्स जो होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं स्मॉल एनिमल्स बग्स जो कीट पतंगे अगर हम बात करें बेसिकली, तो वो भी किसके अंदर आते हैं डीकम्पोजर्स के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं वर्म्स, कि वर्म्स डू मोस्ट ऑफ द वर्क, कि सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं कौन करता है वर्म्स करते हैं, सबसे ज्यादा काम कौन करता है वर्म्स करते हैं हमारे, कि दे ईट देयर वे थ्रू द सॉइल, कि वो क्या करते हैं सॉइल के थ्रू क्या करते हैं चीजों को खाते रहते हैं और सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। बिटवीन द लेयर्स द वेस्ट इज एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किसके साथ हो जाता है न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल, कि सॉइल जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो सॉइल कितने प्रकार की होती है मैंने बताया था, फर्स्ट इज ब्लैक सॉइल, फर्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल, देखो ब्लैक सॉइल जो होती है वो हमारी इस तरह की होती है जिसे हम चिकनी मिट्टी अपने गांव में बेसिकली कह देते हैं कि चिकनी मिट्टी है, यहाँ पर वो बेसिकली क्या होती है ब्लैक सॉइल ही होती है हमारी, ये जो काली मिट्टी है एकदम काले रंग की ही दिखती है, कि ब्लैक सॉइल को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है ब्लैक सॉइल का रेगुर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, इसका मतलब इट इज गुड फॉर ग्रोइंग द कॉटन, ये अच्छी किसके लिए होती है क्योंकि इसके अंदर कॉटन कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डार्क ग्रे टू ब्लैक इन कलर, कैसी होती है डार्क ग्रे, बहुत ज्यादा गहरी स्लेटी रंग की होती है और
कैसी बन जाती है लास्ट में, ब्लैक तक की होती है इन कलर। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा क्ले कंटेंट होता है। क्या होता है, क्ले का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और क्ले का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है इसका मतलब क्या करती है ये, इट होल्ड्स द वाटर, इट होल्ड्स द वाटर, कि पानी को क्या करके रखती है, होल्ड करके पकड़ के रखती है, और पानी ज्यादा एकदम से नीचे नहीं जाता। देखा होगा हमने कि नहरों के पास जो खेत होते हैं उनमें चिकनी मिट्टी होती है, तो जब हम पानी देते हैं थोड़ा बहुत भी पानी होता है तो मिट्टी बहुत ज्यादा गीली होती है और काफी टाइम तक गीली रहती है। क्यों, क्योंकि उसकी जो वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, पानी को रोक के रखती है, नीचे नहीं जाने देती है। इसलिए हमारी जो बेस्ट, अगर सॉइल की बात करें कि जो बेस्ट है किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, सॉरी प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा सॉइल कौन सी है, ब्लैक सॉइल, हाईली मॉइस्ट रिटेंटिव। मॉइस्ट रिटेंटिव यही होता है कि उसके अंदर जो मॉइस्ट होता है, नमी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो नमी नहीं जाती है जल्दी से, और गर्मियों के अंदर क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं क्योंकि पानी की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है और एकदम से गर्मी गिरती है, तो हमने मैंने बताया था कि वेदरिंग वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर दरारें आ जाती है। अब बात करते हैं कि रिच किस किस के अंदर होती है, ये जैसे लिख भी रखा है इसके अंदर मैंने बताया था, हाईली सुटेबल फॉर कॉटन, की कॉटन के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होती है, कपास की खेती बहुत अच्छी होती है इस ब्लैक सॉइल के अंदर। इट इज रिच इन आयरन, इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर आयरन होता है, हमारी जो ब्लैक सॉइल होती है इसके अंदर लाइम होता है और कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कार्बोनेट्स होते हैं और एल्यूमिनिया होता है, एल्यूमिनिया मतलब एल्यूमिनियम का जो कंपाउंड होता है वही होता है हमारा। तो दिस इज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ेंगे हम किसकी, रेड सॉइल की। रेड सॉइल रेड कलर की होती है, जैसे नाम सजेस्ट है, देखो ये जैसे दिख रही है रेड सॉइल, रेड रेड कलर की सॉइल है हमारी। रेड सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, रेड सॉइल जो होती है इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स, की बहुत जो पुरानी रॉक्स होती है हमारी उनके क्या हो जाता है, जब वेदरिंग प्रोसेस होती है टूट टूट के जो मिट्टी बनती है वो क्या कहलाती है, रेड सॉइल कहलाती है। मोर सैंडी एंड लेस क्ले, इसके अंदर सैंडी अमाउंट जो होता है रेतीली मिट्टी की तरह ही होती है, कि बहुत ज्यादा रेतीली मिट्टी टाइप में होती है, और क्ले इसके अंदर बहुत कम होती है, क्ले जो होती है बहुत कम होती है। ये भी रिच किसके अंदर होती है, आयरन के अंदर, लेकिन इसके अंदर ह्यूमस जो होता है वो बहुत कम होता है। ह्यूमस कम क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है वो किसका ज्यादा होता है, सैंडी सॉइल, इसका सैंडी सॉइल का जो हमारा कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, और सैंडी सॉइल रेतीली मिट्टी का कंटेंट ज्यादा होगा तो पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी, तो इसके अंदर ह्यूमस नहीं होगा, ह्यूमस नहीं होगा। इट इज ऑल्सो पुअर इन फॉस्फोरस, नहीं होता इसके अंदर, नाइट्रोजन है वो भी प्रेजेंट नहीं होता, और लाइम भी नहीं होता। ये स्लाइटली एसिडिक होती है, थोड़ी सी एसिडिक होती है, कि एसिड का जो कंटेंट है इसके अंदर वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्ले सॉइल के या ब्लैक सॉइल की बात करें उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। एंड डू नॉट रिटेन मॉइस्चर, मॉइस्चर नमी है इसके अंदर नहीं रहती, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं, क्यों, क्योंकि सैंडी सॉइल का टेक्सचर जो सैंडी होती है वो अमाउंट ज्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है। दिस इज ऑल, दिस इज वेरी पोरस, कि पोरस होती है, कि छह जो इसके अंदर होल्स होते हैं, पोरस की अगर बात करें तो इस सॉइल के अंदर अगर होल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो पानी नहीं रुक पाता, पानी नीचे की तरफ निकल जाता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल, कि लेटराइट सॉइल देखो जैसे दिख रहे हैं कि हमारी ईंटें बनी हुई है, तो बेसिकली ये किसके अंदर काम आती है हमारी, ये सॉइल किसके अंदर काम आएगी, हमारी बिल्डिंग्स के अंदर। सॉइल किसके अंदर काम आती है, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जो ईंटें वगैरह जो यूज करते हैं हम बेसिकली, वो किसकी होती है, हमारी लेटराइट सॉइल की होती है। किसकी होती है, लेटराइट सॉइल की। तो इसके अब हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, लेटराइट सॉइल किससे बना है, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या है, ब्रिक, मतलब ईंट है। इट इज फॉर्म, कैसे बनती है, अंडर हाई टेम्परेचर, की बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रेनफॉल होता है वहां पर, क्या होती है हमारी लेटराइट सॉइल जो है, ये जो दिख रही है लेटराइट सॉइल हमारी होती है, विद वेट एंड ड्राई स्पेल, और इसका क्या होता है कि गीला और सूखा, कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब गर्मी ज्यादा होगी, तब तो क्या होगी, ड्राई जो होता है स्पेल वो चलेगा, और जब बारिश बहुत ज्यादा होगी तब क्या चलेगा हमारा, वेट स्पेल, जो गीला स्पेल है वो चलेगा। सिलिका इजली, इसके कारण क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब बारिश होती है तो सिलिका जो होता है हमारा वो लीस्ट हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है, गलना स्टार्ट हो जाता है, इसके कारण ये मिट्टी बन जाती है। कि अब क्या होता है कि रेमिनेंट्स ऑफ, जो रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स का मतलब बचे हुए, रेमिनेंट्स का मतलब क्या होता है हमारा, बचे
हुए कि जो बच जाते हैं, क्या बचते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स हैं बच जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लेड बैंड। दिस इज नोन एज द लेटराइट। की आयरन लोहा और एल्यूमिनियम जो होता है हमारा, उसके जो पार्ट्स होते हैं, बेसिकली सब्सटेंसेस पार्टिकल्स होते हैं, वो बच जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, हमारी लेटराइट कहलाते हैं। इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन जैसा दिख रहा है कि ब्राउन ब्राउन होता है टू येलोइश कलर तक होता है। इट बिकम्स हार्ड। ये सॉइल क्या होती है, लेटराइट सॉइल हार्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। कब, जब इसको हम एटमोस्फेयर के साथ एक्सपोज करते हैं, कि एटमोस्फेयर के सामने जब इसको ले आते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, तो ये लेटराइट सॉइल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। जैसे देखा होगा कि इटे जब बनाते हैं तो जो मिट्टी होती है वो बेसिकली कैसी हो जाती है, बाद में हार्ड हो जाती है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज द बिल्डिंग मटेरियल, की बिल्डिंग्स बनाने के लिए मटेरियल में हमारी यूज होती है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हमारी डेजर्ट सॉइल। इसके बारे में, डेजर्ट सॉइल के बारे में, कि डेजर्ट सबको पता है कि रेगिस्तान जो होता है हमारा, उसके अंदर जो मिट्टी मिलती है वो क्या कहलाती है, डेजर्ट सॉइल कहलाती है। तो डेजर्ट सॉइल क्या होती है, सूटेबल सॉल्ट। इसके अंदर क्या होते हैं हमारे सॉल्ट जो होते हैं, हमारे जो नमक वगैरह होते हैं वो बहुत हाई अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट इज बाय द विंड डिपॉजिट, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, विंड डिपॉजिट की बात करते हैं। कि जैसे हवा चलती है रेतीली मिट्टी रेगिस्तान के अंदर, जो रेगिस्तान इसके अंदर हवा चलती है, हवा क्या करती है, इस मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पे और इधर से उधर, जैसे जिस तरह की हमारी हवा होगी जिस तरफ की, उधर ही क्या होगी, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। तो विंड के कारण क्या होती है, ये मिट्टी जमा हो जाती है एक जगह पे। इट इज वेरी पोरस सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी है, हमें पता है कि रेगिस्तान में रेतीली मिट्टी है, तो ये भी बहुत ज्यादा पोरस होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा होल्स होते हैं इसके अंदर, आसानी से पानी वो आर पार हो जाता है। 90% क्या होता है इसके अंदर, सैंड होता है, सैंड मतलब रेत जो होता है वो 90% होता है, और क्ले की अमाउंट कितनी होती है, ओनली 5%, इसलिए बहुत ज्यादा पोरस होती है हमारी। अब क्या क्या होता है इसके अंदर, किन किन चीजों में ज्यादा होती है, नाइट्रेट्स जो होते हैं, नाइट्रेट्स हमारे कौन से होते हैं, दैट इज NO3, कि नाइट्रेट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर होते हैं। फॉस्फेट्स भी होते हैं हमारे अंदर, इसके अंदर बहुत ज्यादा पुअर, किसकी इसके अंदर कमी किसकी होती है, बेसिकली नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, इसका मतलब प्लांट की ग्रोथ भी इजी नहीं होगी, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए हमें, नाइट्रोजन चाहिए। और क्या नहीं होता है इसके अंदर, ह्यूमस नहीं होता, क्योंकि पानी को होल्ड करके नहीं रख सकता, इसलिए इसके अंदर जो मॉइस्ट कॉन्टेंट अगर बात करें वो बहुत ज्यादा कम होता है। मॉइस्ट कॉन्टेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा कम। अवर सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज माउंटेन सॉइल। आज का सेकेंड लास्ट टॉपिक क्या है, माउंटेन सॉइल। इसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे, दैट इज एलिवियल सॉइल। तो माउंटेन सॉइल, माउंटेन जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं, माउंटेन सॉइल कौन सी होती है, जो माउंटेन्स पर्वतों के ऊपर जो शिखर होते हैं वहां पर जो माउंटेन्स के अंदर जो सॉइल मिलती है हमें, वो कौन सी सॉइल कहलाएगी, माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल्स इज फाउंड इन द हिल स्लोप्स, कि हमारे जो हिल्स के जो स्लोप्स होते हैं उनके अंदर हमें क्या मिलती है, माउंटेन सॉइल मिलती है। कैसे बनती है, हाउ इट इज फॉर्म, इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम फॉरेस्ट, कि जो जंगलों के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर पहले से ही जमा हो जाते हैं, कि पेड़ वगैरह हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, गलते हैं, सड़ते हैं, नीचे जमा हो जाते हैं और वहां पर क्या बन जाती है, हमारी चट्टानें बन जाती है। इट इज रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस होता है वो इसके अंदर ज्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर कमी किसकी होती है, लाइम एंड पोटास, कि लाइम और पोटास जो होता है वो हमारे इसके अंदर बहुत कम होता है। बेसिकली ये कहाँ मिलेगी, जहाँ पर फॉरेस्ट ज्यादा होंगे वहां पर ये सॉइल जो हमें मिलेगी। तो कहाँ कहाँ मिलते हैं फॉरेस्ट, अगर बात करें फॉरेस्ट जहाँ मिलेंगे वहाँ माउंटेन्स भी होंगे, तो माउंटेन सॉइल जो होती है कहाँ मिलती है, आसाम, कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और इसके अंदर कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है माउंटेन सॉइल में, टी, चाय पत्ती, कॉफी, स्पाइसेस, जो हमारे स्पाइसेस खाने होते हैं वो, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, की जो फ्रूट्स होते हैं हमारे वो भी इसके अंदर उगाए जा सकते हैं। और लास्ट जो सॉइल आती है वो हमारी, वो कौन सी, हमारी एलुवियल सॉइल। लास्ट सॉइल इज एलुवियल सॉइल। की एलुवियल सॉइल जो होती है वो बनती कैसे, कि एलुवियल सॉइल बनती है जैसे कि इन पिक्चर के अंदर जैसे हमें दिखा रखी है कि ये क्या है, रिवर है, ये क्या है हमारी रिवर। कि रिवर के अंदर क्या होते हैं कि कुछ रॉक पार्टिकल्स भी होते हैं जो बहकर आते हैं, तो रॉक पार्टिकल्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, रिवर के अंदर बह के आ जाते हैं। तो वो रॉक पार्टिकल्स क्या होते हैं कि पानी के अंदर कैपेसिटी होती है कुछ टाइम की, कुछ कैपेसिटी होती है पानी की भी, वो ज्यादा भारी रॉक पार्टिकल्स को कैरी नहीं कर सकता, तो कुछ रॉक पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसके
किनारों के ऊपर रह जाते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे इसकी स्पीड कम होती है पानी की, तो छोटे पार्टिकल्स भी यहाँ पर जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे स्टमाउट होते हैं, तो बेसिकली कहाँ पर अगर बात करें कि ये कहाँ पर होगा, बेसिकली नियर द डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जहाँ पर रिवर अपना डेल्टा एक जहाँ पर स्पीड कम हो जाती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी और पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्या क्या फॉर्म करते हैं वहाँ पर रिवर डेल्टा। तो वहीं पर ही हमारी क्या मिलती है, हमें एलुवियल सॉइल जो होती है वो मिलती है। तो ये एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन ए सॉइल कैरिंग स्ट्रीम, सॉइल कैरिंग स्ट्रीम का मतलब बेसिकली वाटरी हो रहा है यहाँ पर, स्ट्रीम की अगर बात करें तो वाटरी है, ग्रेजुअली लूजेज इट्स कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी की जो उनको कैरी करती है एलुवियल सॉइल के जो पार्टिकल्स उनको कैरी करेगी, तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी की स्पीड जो है वो कम होती है, तो कैपेसिटी भी क्या होगी ले जाने की कम, कि पानी की अगर स्पीड कम होगी तो वो भारी पार्टिकल्स को नहीं ले जा पाएगा जो अभी बताया था। तो इन स्लोइंग डाउन ए रिवर डज नॉट हैव सफिशियंट पावर टू कीप द लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सोइल सस्पेंडेड, की ज्यादा भारी पार्टिकल्स वो नहीं रह पाते हैं, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं, सेटल टू द रिवर बेड, की रिवर बेड जो होता है जहाँ पर नदी होते हैं उसका भाव कम होता है वहां पर हो जाती है। तो फर्दर डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और जितनी वेलोसिटी आगे कम होगी उतने स्मॉल पार्टिकल्स, धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल्स भी सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं कहाँ पर, एट द माउथ ऑफ द रिवर, रिवर के माउथ के ऊपर, वेयर दे फॉर्म द डेल्टा, जहां पर वो क्या बनाते हैं, हमारे डेल्टा बनाते हैं, किसका, लो फाइन ग्रेन सॉइल, जो हमारी फाइन पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मूथ पार्टिकल्स होते हैं उनकी हमारी क्या होते हैं वो बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 14, दैट इज द सॉइल। थैंक यू सो मच।